आज हम तालों को किस तरह से विभिन्न लयकारियों में हाथों से ताली देकर प्रदर्शित करते हैं वो सीखेंगे। विभिन्न लयकारियाँ जैसे ठाह, दुगुन, तिगुन, चौगुन, ये कैसे दर्शाते हैं हाथ से ताली देकर, ये देखिए। सर्वप्रथम ताल, तीन ताल, जिसे ताल त्रिताल भी कहते हैं। इस ताल में कुल 16 मात्रा होती है, चार विभाग होते हैं और प्रत्येक विभाग में चार चार मात्रा, इस तरह से 16 मात्रा होती है। नवी मात्रा में खाली होती है, जिसे अगर हम लिखते हैं तो शून्य के निशान से दर्शाते हैं, और अगर हाथ से ताली देकर बताना होता है तो इस तरह के निशान से दर्शाते हैं। और बाकी मात्राओं में, बाकी विभाग की जो प्रथम मात्रा होती है ताल तीन ताल में, उसमें ताली है, अर्थात पहली मात्रा में ताली, पांचवी मात्रा में ताली, नौवीं मात्रा में खाली और तेरहवीं मात्रा में पुनः ताली दर्शाना है। ताल लेकर बताता हूँ, पहले गिनती गिन के, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा, धा। अब दुगनी में हमें क्या करना है, ताली की लय तो हमारी वही चलेगी जिस तरीके से मैंने अभी दिखाया, किंतु बोलने में हमारी लय दुगनी हो जाएगी, अर्थात जो 16 मात्रा है उसकी जगह में 32 मात्रा का उच्चारण करना है और लय दुगनी करना है। तो बात वही हुई, बोलना अपने को 32 मात्रा है लेकिन टाइम दुगना हो जाएगा, तो वह 16 मात्रा में ही आ जाएगी। कैसे लेना है एक बार देखिए, धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, दुगुन, धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा, धा। ये हुई दुगुनी लय। अब हम बात करते हैं तीन गुनी या तिगुनी लय की। जैसा पहले देखे थे हमने, दुगुनी में 16 दुनी 32 मात्रा लगी, तो तिगुनी में कितनी लगेगी, 16 तिया 48 मात्रा, लेकिन समय वही लगेगा जितना समय 16 मात्रा को बोलने में लगाते हैं। ताली की प्रक्रिया वही चलेगी जैसा हमने ठा की लय में दिया, बोलने की स्पीड तीन गुनी कर देंगे। कैसे देखिए, धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, एक, दो, तीन, धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा, धा।
समझ गए, ये है अपनी तीन गुनी लय। अब चार गुनी या चौगुनी लय में हम क्या करेंगे, दुगुनी में बोले 16 दुनी 32, तीन गुनी में बोले 16 तिया 48, चार गुनी लय में हम बोलेंगे 16 चौके 64 मात्रा का उच्चारण करेंगे, लेकिन उसी समय में जितने समय में हम 16 मात्रा का उच्चारण करते हैं स्वतः ही चौगुनी लय हो जाएगी। ये भी करके बताता हूँ, ध्यान से देखो। धा धिन धिन धा धिन धिन धा तिन तिन ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता धिन धिन धा धिन धिन धा धिन धिन धा तिन तिन ता धिन धिन धा धिन धिन धा धिन धिन धा तिन तिन ता धिन धिन धा धिन धिन धा धिन धिन धा तिन तिन ता धिन धिन धा। इस तरह के सामने देखा कि ताल तीन ताल की ठा कैसे लेना है, दुगुन कैसे लेना है, तिगुन कैसे लेना है और चौगुन कैसे लेना है। यह तो हुआ एक तरीका। इसका एक दूसरा तरीका भी होता है प्रदर्शित करने का कि जिसमें ताल की पुनरावृत्ति हम सिर्फ एक बार ही करेंगे, जैसे दुगुन में हम दो बार किए, दो बार ना करके एक बार ही करेंगे, तिगुन में तीन बार ना करके एक बार ही करेंगे, चौगुन में चार बार ना करके एक बार ही करेंगे। इसको बोलते हैं हम एक आवर्तन में लयकारियाँ दिखाना। ज़्यादा कुछ इसमें अंतर नहीं है, इतना करना है कि जो आपने पहला पार्ट लिया दो बार में तो पहले पार्ट को छोड़ दीजिए और अगले पार्ट को ही लयकारी में दिखाना है। दुगुन में 32 लिया आपने मात्रा दुगुन बोलने के लिए, तो 16 मात्रा को ना बोलें, अगली 16 मात्रा को ही बोलना है, तो स्वतः ही एक आवर्तन में हो जाएगा। करके दिखाऊंगा, ज़्यादा इजी समझ में आएगा। देखिए, धा धिन धिन धा धिन धिन धा तिन तिन ता धिन धिन धा। पहले कह लेते थे धा धिन धिन धा, शुरू में ही शुरुआत करते थे। अब हम पहले की 8 मात्रा छोड़ देंगे और 9वीं मात्रा से अगर लेंगे तो सिर्फ एक बार इसका उच्चारण करेंगे, एक आवर्तनी कहलाएगा और हमारी दुगुन प्रदर्शित हो जाएगी। धा धिन धिन धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धिन धिन धा तिन तिन ता धिन धिन धा। समझ आ गया? इस तरीके से भी हम इसे ले सकते हैं, इस तरीके से प्रदर्शित हाथ से भी कर सकते हैं, बता सकते हैं, और जब परीक्षा में लिखित पेपर में लिखने आता है तब भी हम इस तरीके से वहाँ एक आवर्तन में लिख के भी बता सकते हैं। दोनों तरीके सही हैं और आप प्रदर्शित भी उस तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके से। चौगुन भी इस तरीके से बताऊँगा मैं आपको। उसमें हमने चार बार बोला था, 16 चौके 64 मात्रा लगी थी, और इसमें कितनी लगेगी, 16 ही लगेगी, लय चौगुनी हो जाएगी। और जब 16 मात्रा में लेना है, चौगुनी लय लेनी है, तो लास्ट की सिर्फ चार मात्रा जो होती है उसी में हमें काम दिखाना है। पहले की चार, फिर चार, फिर चार छोड़ के अगली चार में ही अपने बोलना है, तो वो हो जाएगी एक आवर्तन में तीन ताल की चौगुन किस तरह से दिखाते हैं। अभी मैं तिगुन नहीं बता रहा हूँ एक आवर्तन में, क्योंकि अपेक्षाकृत नए विद्यार्थियों के लिए एक आवर्तन में तिगुन लेना कठिन होगा, तो अभी हम दुगुन और चौगुन की बात करेंगे एक आवर्तन की। तिगुन का अगले वीडियो में अपन देखेंगे। अब देखो चौगुन एक आवर्तन में कैसे लेनी है। जब शुरू से लेते हैं तो हम सम से लेते हैं, धा धिन
यहाँ से लेते हैं, एक दो तीन चार, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। अब हम यहाँ से नहीं लेने हैं, लास्ट की चार मात्रा से लेनी है। वो किस तरीके से? धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा। हो गया ना एक आवर्तन, एक ही आवर्तन हुआ, चौगुनी लय भी हो गई हमारी, और सिर्फ हमने चार मात्राओं में ही 16 मात्रा दिखा दिया। तो ये तरीका भी है, दोनों तरीके सही हैं, कन्फ्यूज ना रहें कि हमने गलत तो नहीं कर दिया। अगर इस तरीके से बताया है, आप दोनों तरीके से इसको बता सकते हैं। अगली ताल की बात करते हैं हम, ताल चौताल। इस ताल में 12 मात्रा होती है, 6 विभाग होते हैं, और प्रत्येक विभाग में दो दो मात्रा, इस तरीके से कुल 12 मात्रा। इसमें दो खाली होती है और चार ताली होती है। कहाँ कहाँ दिखाना है मैं गिनती बताता हूँ, गिनती से आपको अपने आप समझ जाएगा। गिनती देके मैं ताली दर्शा रहा हूँ, एक दो तीन चार, मतलब तीसरी पे हुई पहली खाली, पाँच छः सात, सातवीं पे आठ, नौ दस ग्यारह बारह एक। अब बोल देखो, धा धा दिन ता, टेट धा दिन ता, टेट कत गदि गन था। ये तो हुई इसकी ठाह की लय। अब इसकी दुगनी लय का वही गणित, हमें कुल मात्रा चाहिए अब 12 दुनी 24, अगर दो आवर्तन में ले रहे हैं तो, और एक ही आवर्तन में ले रहे हैं तो 12 ही चाहिए, लेकिन वो लास्ट के में दुगुना हम करेंगे तो ताली की हमें सिर्फ 6 मात्रा चाहिएगी। तो पहले तो दो बार लेके किस तरह से लेते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। धा धा दिन ता, केट धा दिन ता, तेट कत गदि गन, धा धा दिन ता, केट धा दिन ता, केट कत गदि गन, धा धा दिन ता, केट धा दिन ता, तेट कत गदि गन, धा। ये तो हुई एक बार में लेने की, ये हुई दो बार में लेना। जब दो बार हम दो बार उच्चारण करेंगे तो किस तरीके से इसको लेंगे। अगर हम इसे सिर्फ एक आवर्तन में लेना है तो पहले की 6 मात्रा तो हम साधारण लय से लेंगे, और जो बाद की 6 मात्रा है उसमें हम स्पीड को दुगनी लय कर देंगे, तो वापस हमारा जो सम है वो पुनः ताली से सामंजस्य स्थापित कर लेगा। धा धा दिन ता, केट धा 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 दिन ता, केट धा दिन ता, तेट कत गदि गन धा। इस तरीके से एक आवर्तन में हमने दुगुन देख लिया। अब हम बात करते हैं तिगुन की। तिगुन शुरुआत से अगर हम तिगुन करेंगे तो हमें कितनी मात्रा चाहिएगी? 12 तिया 36, और एक बारी दिखाएंगे चाहिए तो 12 मात्रा, लेकिन तिगुनी लय से जब लेने होंगे तो लास्ट के सिर्फ 4 मात्रा में हमें तिगुन दिखानी है। जैसे मैंने पहले कहा है, तिगुन की प्रक्रिया मैं आपको बाद में समझाऊंगा, एक आवर्तन वाली। अभी आप शुरू से जो 3 बार लेते हैं वो किस तरह से लेते हैं वो देखें। धा धा दिन ता, केट धा दिन ता,
टेट कत गदी, 1 2 3 धा धा दिन ता किट धा दिन ता तिट कत गदि गिन, धा धा दिन ता किट धा दिन ता तिट कत गदि गिन, धा धा दिन ता किट धा दिन ता तिट कत गदि गिन धा। तिगुनी लय 3 बार बोल लिए, सम से सम तक पहुंच गए। अब है इसकी चौगुनी लय, 4 बार बोलना है, 12 चौके 48 बार बोल देंगे हम। लय 4 गुनी हो जाएगी, सम से सम पहुंचना है। तिगुनी लय 4 गुनी लय अगर हम 1 बार बोलेंगे तो इसके लिए 12/4 कुल 3 मात्रा चाहिएगी, जो कि लास्ट की 3 मात्रा छोड़ने से पूरी हो जाएगी। अभी हम चौगुनी लय 4 बार बोलते हुए सम से सम लाना है, ताल चौताल। धा धा दिन ता केट धा दिन ता टेट कत गति, धा धा दिनता किट धा दिनता तिट कत गदिगिन, धा धा दिनता किट धा दिनता तिट कत गदिगिन, धा धा दिनता किट धा दिनता तिट कत गदिगिन, धा धा दिनता किट धा दिनता तिट कत गदिगिन धा। ये हुई चौगुनी लय, 4 बार बोला, ठीक है। अब इसी को एक आवर्तन में अगर बोलना है तो लास्ट की 3 मात्रा चाहिएगी, धा धा दिनता किट धा दिनता तिट, चित्त छोड़ के कत गदि गन, ये जो 3 पार्ट है इसी में हमारा चौगुन आ जाएगा। करके देखते हैं, धा धा दिन ता केट धा दिन ता तिट, धा धा दिनता किट धा दिनता तिट कत गदि गन धा। हो गया, 1 बार ही हमने लिया, चौगुनी लय दिखा दी, 4 बार लेने की आवश्यकता नहीं है और सम पे आ गए। जैसा मैं बार बार कहते आ रहा हूँ कि दोनों तरीके से इसको ले सकते हैं, दोनों तरीके से इसको लिख सकते हैं और दोनों ही तरीके से इसको ताल के द्वारा प्रदर्शित भी कर सकते हैं, दोनों तरीके सही हैं। इसके बाद ताल कहरवा का आज मैं आपको सिर्फ ठेका बता रहा हूँ, अगली वीडियो में इसकी लयकारी के बारे में बात करेंगे। ताल कहरवा 8 मात्रा की ताल है, 2 विभाग होते हैं, प्रत्येक विभाग में 4-4 मात्रा और 5वीं मात्रा पे खाली, प्रथम मात्रा में सम, पहले गिनती और उसके बाद उसके बोलों के साथ ताली देकर प्रदर्शन। 1 2 3 4 5 6 7 8 धा गे न ति न क धी न धा गे न ति न क धी न धा। ये कहरवा ताल है। एक और संक्षिप्त ताल है, ताल दादरा। इसमें 6 मात्राएं होती हैं, 2 विभाग इसमें होते हैं, 4थी मात्रा पे खाली। इसको भी देख लो एक बार, दोनों तालों की लयकारियाँ मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। 1 2 3 4 5 6 धा धी ना धा ती ना धा धी ना धा ती ना धा। ठीक है, तो आज हमने कुछ तालों की लयकारियाँ सीखी, किसकी,
तीन ताल की और चौताल की। दो ताल के भी हमने ठेके सीखे हैं कहरवार दादरा के। अगले वीडियो में इसकी लयकारियाँ किस तरह से करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा।